हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। दीपावली की आप सभी को बहुत बहुत बधाई फ्रेंड्स, और आप सब लोग भी बिजी होंगे दीपावली के कार्य में। देखिए, ये मैं रंगोली अभी लगाई थी बच्चों ने, वो मैंने दिखाई है। यहाँ पे सारे में पौधों में डेकोरेशन की हुई है, देखिए आपको मैं दिखाती हूँ। और ये सारे में बाहर पोर्च में सजावट की है, देखिए आप। और ये नीचे इधर की तरफ मैंने रंगोली बनाई है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ फ्रेंड्स। ये मैंने रंगों से, सूखे रंगों से बनाई है। ये गेरू से ज़रूर हमारे यहाँ बनाई जाती है, गेरू से बनाई है। और इस तरह से दीपावली का त्यौहार मनाया, जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, अब हम बालकनी में आ गए हैं। देखिए, यहाँ पे चारों तरफ बच्चों ने बहुत अच्छे से सजाया है। फ्रेंड्स, मैं पूजा से पहले पूजा की तैयारी कर देती हूँ, सारे सामान को इकट्ठा करके। यहाँ पे हम लोग शाम की पूजा लक्ष्मी जी की करने वाले हैं। तो ये मैंने खिलौने रख दिए हैं, ये मैंने बताशे रख दिए हैं, फ्रूट्स रख दिए हैं, ये पंचमेवा तैयार करके रख दिया, ये खिलौने, ये मिठाई जो मैंने हाथ से बनाई है, जिसकी वीडियो मैंने आपको शेयर भी की है, और ये मैंने दीपक सजा के रख दिया है। ये मौली है, और इसमें थोड़े से फूल भी रख देती हूँ। थाली में फूल जरूर होने चाहिए, भगवान जी की थाली में भी कर दिया। ये मोमबत्ती लगानी है फ्रेंड्स, और ये भवन तैयार किया है। हमारे यहाँ गन्ना जरूर पूजा जाता है, तो ये मेरे बच्चे अभी गन्ना लेके आए हैं, मेरा बेटा मेरे हस्बैंड, तो वो गन्ना मैंने रख दिया है। और ये नारियल जरूर होता है हमारे यहाँ पूजा में, तो ये नारियल रखा है मैंने, देखिए। और माता रानी गणेश जी के साथ विराजमान है। ये मैंने शकरकंदी, केले, मूली, ये चीजें रखी जाती हैं। रोली जो, जिसे हम बिंदी लगाते हैं, वो भी मैंने घोल के तैयार कर दिए। अब पूरे 11 दीप जलाती हूँ मैं, ये दीप और भी जलाने वाले हैं यहाँ पर। ये बड़ा दीप यहाँ पे जलता है, मैंने तैयार करके रख दिया है। अब घी डालकर इसे प्रज्वलित करेंगे। तो इस तरह से सारी तैयारी हो चुकी है फ्रेंड्स। ये लक्ष्मी माता का भवन तैयार किया है हमने पूजा के लिए, और तैयार भी कर दिया है। और अब हम पूजा कर रहे हैं, मेरे पति और मैं, हम दो परिवार सहित पूजा कर रहे हैं। देखिए, उन्होंने आरती की है माता रानी के समक्ष, उनका आशीर्वाद ले रहे हैं हम लोग। माता रानी का पूजा करने के बाद में, और अब मेरा बेटा पूजा कर रहा है। देखिए, मेरे बेटे ने अब पूजा की है हम लोगों के बाद में, प्रणाम किया है, नमन किया है माता रानी को इस तरह से, और अब मैंने प्रणाम किया है माता रानी को दीप दिखाते हुए, माता रानी को, माँ लक्ष्मी मैया को, श्री गणेश जी को। और इस तरह से पूजा, सभी लोगों ने पूजा संपन्न की है। पूजा कर ली है सपरिवार हम लोगों ने, बहुत आनंद आया पूजा में। और अब दिया लगाने की बारी है, तो दिया लगा रहे हैं हम लोग। देखिए, सबसे पहले दिया यहाँ पे रखते हैं, और इसी तरह से दिए हम सारे में रख देंगे। अब फ्रेंड्स, मैं बालकनी में आ गई हूँ, अब मैं बालकनी में दीप लगा रही हूँ। पूजा हो गई है, दिए भी लगा दिए, और हमारे यहाँ सबसे पहले खीर का प्रसाद खाया जाता है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये खीर है, ये प्रसाद रूप में सबसे पहले पूरी फैमिली खीर खाते हैं, उसके बाद में ये पूजा संपूर्ण मानी जाती है। फ्रेंड्स, आप सब लोग, हम लोग बाहर आ गए हैं पटाखे छुटाने के लिए। अब बेटा जो है फुलझड़ी छुटा रहा है, एंजॉय कर रहे हैं सब फैमिली, देखिए कितनी मस्ती से फुलझड़ी छुटा रहा है। और हम सभी लोग मिलकर के फैमिली मेंबर्स बाहर खूब एंजॉय कर रहे हैं, पटाखे छुटा रहे हैं, सभी लोग बाहर मिलकर डांस कर रहे हैं, देखिए। और बेटे ने ढोल वाला बुला लिया है, तो ढोल पे बहुत डांस किया है, बहुत एंजॉय किया है।
आप देख ही रहे होंगे, ढोल की आवाज सुन ही रहे होंगे, ढोल पे बहुत देर डांस हुआ है। हैप्पी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।